ये क्या करा के आ गई हो? चुड़ैल बन के आई हूँ। हाँ चुड़ैल बन आई हो? साइड इफेक्ट नहीं है बंदे ने अरेंज मैरिज के आगे मेरा प्यार साबित कर दिया। अरे अरे ये सब कुछ ऑनलाइन, भाई साहब ऑनलाइन फोन पे करवा चौथ खुल रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है करवा चौथ। मेरी वोटी ने रखा है व्रत, उसके साथ साथ रख रहा हूँ मैं भी। और मुझे अभी अभी शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं। कह रही पानी जितना पीना पी लो क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस? पानी नहीं पी सकते। करवा चौथ का फास्ट इसलिए होता है ना कि हम कुछ खा पी नहीं सकते। सर्गी तो अभी तो खिला रही हो ना, पिला रही हो, खा लो आराम से, पी भी लो। क्या क्या बना लिया अब तुमने? इसको ये सुबह सुबह प्याज नहीं काट सकते क्योंकि करवा चौथ के दिन कुछ काट नहीं सकते, तो इसको मैंने प्याज काट दिए हैं। पनीर की परौंठी बना रही है और इसने ये पता नहीं क्या बनाया है, फेनिया। और ये पनीर, ये मैंने प्याज इसको काट दिए हैं। और ये हमारा डैब भी उठ गया सुबह सुबह। हाँ जी, आप क्यों उठ गए? आप क्या हुआ? ये इसका तो मस्ट है, मतलब उठना। आज मैं सबको बात फैलाऊंगी, इन्होंने फास्ट रखा है। अच्छा, आपके घर वाले हैरान होते हैं कितनों ने रखा है। तो क्या हो गया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? ऐसे नहीं होता ना। आपने अपनी इमेज ऐसी बना रखी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ले, शादी के बाद ना सब चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज होने वाली क्या बात है यार, एक व्रत ही तो है। अभी मैंने नवरात्र व्रत रखे, 7 व्रत रखे, सारे व्रत रखे मैंने, और आज एक बार रखना पड़ रहा था। क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। बाकी ये पानी नहीं पीना पड़ रहा, ये दिस इज अ वेरी बिग टास्क। चलो देखते हैं क्या ही होता है। अभी पानी पी लेंगे, दूसरा दिन सुसु आता रहेगा, मतलब उसके बाद पानी नहीं पीना। ओहो, इनको देख लो, मैं बेड पे आया हूँ, साथों साथ ये भाई सब भी आ गए। मतलब मैं यहाँ पे लेटा हूँ, इसको यहाँ पे लेटना ही लेटना है। आराम से बंदा नीचे लेटा हुआ है, बंदा सो जाए, और आधा बैठ खेल लेता है। अभी मैं मतलब ऐसे टेढ़ा होकर सो रखा हूँ बिल्कुल ही। मतलब बंदा क्या क्या भाई, थोड़ा तो सीधा होकर सो। यहाँ पे पिंकी नहा के आ गए। हाँ जी, नहा के आ गई हो? यार मेरी शादी का सूट था ये। अच्छा, आ गया। मेरा तो अभी से सिर दर्द होना शुरू हो गया है स्टार्ट, तो मेरे लिए होने वाला है ये व्रत काफ़ी चैलेंजिंग। और हाँ, ये सो भी गए हैं पता है अभी। हाँ, और इतना सो भी है, मतलब सुबह से उठने के बस कारण ही मेरा सिर दर्द होना शुरू हो गया। अभी इधर चाय बन रही है, पिंकू जी चाय बना रहे हैं, तो अभी हम चाय पियेंगे और अपना व्रत करेंगे स्टार्ट। पनीर खाएंगे। क्या हेल्प करनी बेबी? के सर्गी क्या होती है? जो हम अभी खाएंगे ना सुबह। अच्छा, एक हम अभी खा सकते हैं, एक शाम को, है ना? 2 बार खाते ना? नहीं, 2 थालियाँ निकलती हैं, एक मैं हम खाते हैं और एक हम किसी सुहागन को दे सकते हैं। तो शाम को नहीं खा सकते? नहीं आप बेटा मत रखो ना। नो। ये व्रत में सिर्फ सोना होता है, कुछ नहीं करना होता। और मतलब खैर रोडीज़ का सर्वाइवल टास्क होता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर खाना नहीं खा सकते, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, ऐसे सुसु रोक लो, पोटी रोक लो, ऐसे वाला टास्क होता है ना। तो यहाँ क्या है, भूख रोक लो, सो जाओ, जैसे भी है कंप्लीट कर लो टास्क, एंड देन ग्रेट सक्सेस। सारे हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं और यहाँ पे हम करने वाले हैं बाद की पार्टी, मतलब आफ्टर पार्टी, जब सारा कुछ खुल जाएगा। क्या कर रही हो? ये ना जो हमने देनी होती है ना सेम प्लेट, ये निकाल दे। ये सामान ले आई थी, ठीक है। इसको क्या करेंगे? ये बैंगल्स हैं, ये दे देंगे ना कोमल भाभी को दे। हाँ जी, तो डैब आ गया अपनी इंस्पेक्शन करने। तो थाली कम्प्लीट हो गई है। एक गिरी इसमें रख देते हैं, एक गिरी इसमें रख देते हैं, एक डैब को खिला देते हैं। डैब ये लो, सुबह सुबह आपको भी भूख लग रही होगी, वैसे तो आपको हमेशा लग रही थी। पकड़ 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 पकड़। हमारा खाना आ चुका है, चाय, पराठा और बाकी ये देखो, ये भाई साहब ने तो आना ही होता है। और पिंकू जी कैसा लग रहा है फिर तुम्हें? अच्छा लग रहा है। देखो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, कैसा लग रहा है? देखो सुबह सुबह उठो, सिर दर्द हो रहा है। अब ऐसा सुनाना नहीं होता है व्रत में, सुनाना नहीं होता। हाँ तो तुम्हारा जो पिछली बार तुमने रखा था, जब शादी से पहले भी इसने पहली बार रखा था पिछली बार, तो सिर दर्द वर्द तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं कुछ खास नहीं। अब हम सर्गी खा लेते हैं और उसके बाद हम फोटोशूट करा लेंगे। फोटोशूट सुबह सुबह मेरा कर देना। तो हमारा खाना पीना हो चुका, हमने सारा खा पी लिया, चाय मैंने पी ली है। सिर दर्द काफी हद तक ठीक हो चुका है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। सुबह 5 बजे सोने के बाद हम अब उठे हैं, मतलब साहब लगा लो अभी टाइम हो गया है 11:34 टाइम हो चुका है और हमने ना पानी पिया है ना कुछ खाया है सुबह से, मतलब तभी खाया था सुबह। ठीक है तो हमने करना भी क्या था, सो ही गए। हाँ बस अब सोना ही है। करवा चौथ का व्रत क्या होता है? खाओ पियो सुबह, फिर सो जाओ, शाम को उठो, कथा वाता करो, फिर सो जाओ। आ गई हो चुड़ैल बनाई हो, ये बाल स्ट्रेट कराया गया। वैसे गाइस कमेंट करो जिसके हस्बैंड फास्ट रखते हैं आपके साथ। मेरे साथ तो पहली बार ये हुआ है क्योंकि मेरा पहला फास्ट है। तो जी 5:15 हो गए हैं और हम हो गए तैयार, और अब ये इनको जी भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, हम जा रहे हैं। सुनना क्या है तुमने? अभी कथा सुनेंगे ना हम, कथा सुनेंगे। और मैं मतलब पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, मेरा बुरा हाल हो रहा है। हाय गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। मेरी देवरानी है, ये मुझे बहुत डर के रहती है और बस यही खौफ बना रखा है मैंने सब में। पति से नहीं रखती। सही है आपका करवा चौथ? बहुत सही है। भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही। आई एम वेरी हैप्पी। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो हम जा रहे हैं घर पे, और अब बनाएंगे घर पे जाके। घर पे क्या करना था? सिंपल यूट्यूब पे लगा था, सुन लो। सही है, फिर यहाँ पे तो पहले वाला जो लोट है उसको ही बड़ा टाइम लग रहा है। तो जी अब पिंकू जी की बारी आ गई है, पहला लोट खत्म हुआ है। ये देखो पता नहीं इसमें क्या ही करना होता है। खैर मुझे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जल्दी ये करें। सुन के ना पति देव के। अच्छा फिर भैया हमारा कैमरा पकड़ लो जरा, हमारा स्टार्ट हो गया। चलो जी राधे माँ लग रही हूँ ना मैं। नो गॉड प्लीज नो नो। हेलो कोई आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस यू। चाहिए पूरी चलो पहले। अरे अरे हाँ जी बिल्कुल। घर कैसे जाएंगे? बाहर तो बारिश हो रही है। आई मून भी लेट ही निकलने वाला है। आई मैंने व्रत रखा है तो जो मून भी व्रत का असर दिख रहा है। आज आपकी परीक्षा हो रही है। जा रही परीक्षा हो रही है। किट्टू जी भूल गए हैं शिवजी को व्रत के अलावा व्रत मतलब आज व्रत रखा है तो उनको कुछ याद नहीं है। ठीक है, आज क्या निकलेगा, कितने बजे निकलेगा? मून निकलेगा, पता नहीं कितने बजे निकलेगा। मून ही कहते हैं। इनका भूख से बेहाल हो गया ये हमारे। चलो इतने छोटे से चीज से अगर रोटी कुछ हो जाती है तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक बर्ती तो था। जो पार्टी डन। तो आज का सारा दिन बढ़िया रहा, सारा करवा चौथ बढ़िया निकला। मेरा भी व्रत ठीक निकला आज। तो मतलब मेरी जिंदगी का मतलब पहला एक्सपीरियंस। तुम्हारा कभी हुआ ऐसा? कैसे कि चांद नहीं निकला? चांद नहीं निकला, ये पहला एक्सपीरियंस है कि फोटो देख के हमने। यार हम अकेलों ने नहीं, मतलब पूरी दिल्ली ने ही फोटो वीडियो ऑनलाइन देख के करवा चौथ खोला है। यार दुनिया में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो चुकी है, ये सब कुछ ऑनलाइन। भाई साहब ऑनलाइन फ़ोन पे करवा चौथ खुल रहे हैं। खैर अभी मेरा फर्स्ट था, मेरा अच्छा निकला है, सारा दिन अच्छा निकला। तुम्हारा पिंकू जी कैसा निकला सारा दिन? इसका भी आराम से निकला है। चलो अभी पिंकू जी को देते हैं गिफ्ट। और मैं एक्चुअली भूल गया था, सब आ गए थे खाना मना खाने के चक्कर में, मैं भूल गया था। तो अभी हम छोटा सा गिफ्ट लाए हैं पिंकू जी के लिए। अभी 3-4 और गिफ्ट थे, वो अभी लाए नहीं हैं। थोड़ा मैं आलस था, थोड़ा मुझे काम था वगैरह वगैरह चल रहे थे, बाद में दे देंगे। पिंकू जी ये एक गिफ्ट आपको पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि पिंकू जी ने कहा था कि मुझे मतलब डिफरेंट तरीके की 3-4 चीज़ें थी जो मुझे दे के देनी थी, जो मैंने प्रॉमिस करा था। बट कुछ प्रॉमिस डिले हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, हम ये गिफ्ट देते हैं इस बार। खैर मैंने तुम्हारे लिए बात रखा, तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, आई लव यू। चलो अगली बार भी रख लेंगे, अब हमेशा रखना पड़ेगा। एक छोटे से व्रत के कारण अगर इतनी बॉडी खुश हो जाती है तो क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे लिए गिफ्ट सेकंड चीज़ है, पर आपने फास्ट रखा और पूरा निभाया। भाई साहब किचन में इतना कुछ बन रहा था, बंदे का दिल कर जाता है कि यार खा लेते हैं। मैं इसे झूठ ही बोल सकता था एक्चुअली। बहुत बार ऐसा होगा कि मैं पानी पी लेता, ये कहीं भी हुई थी, पर मेरा दिन माना नहीं कि अब रखा है तो पूरी निभाते हैं। चलो अब हो गया। वेडिंग के पोजेस हैं गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस ये व्लॉग हमने सोचा नहीं था हम बनाएंगे, क्योंकि डेली व्लॉगिंग हम करते नहीं हैं आप। बट मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। नहीं, मैंने पुराने व्लॉग्स देखे हैं, डेली व्लॉगिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कोई आइडिया कहीं घूमने जाना है ना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होता है उस दिन में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, डैब और बाकी चीज़ें। ठीक है, और अगर आपको भी हमारी डेली व्लॉगिंग देखनी है आप कमेंट कर सकते हो, फिर हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। खैर नहीं तो हमारे बहुत सारी वीडियोस भी पेंडिंग हैं जो आने वाली हैं, इसलिए हमारे ब्लॉग को लोग फटाफट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दो।